डीएसएस इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 9 की जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए 2023 में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इसका पार्ट थर्ड है और पार्ट थर्ड में हम जो आपकी मूवमेंट्स बुक है सप्लीमेंट्री रीडर उसके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो डिस्टेंस मैं आपको बता दूं कि इस मूवमेंट्स में से ही आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस केवल इसी बुक से आपके आते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर हाउ वाई डज ही लेग बिहाइंड। इसका देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मेले में जाते समय रास्ते में बालक कौन कौन सी वस्तु देखता जाता है, वह पीछे क्यों रह जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर, इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, यानी कि खोया बालक उन वस्तुओं में रुचि क्यों खो देता है जो उसे पहले चाहिए थी। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, यानी कि टोटो दादाजी के व्यक्तिगत चिड़ियाघर में कैसे आता है। तो ये आप देख सकते हो इसका आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आंसर बड़े रहेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी जो है बड़े आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके नंबर भी ज़्यादा होते हैं। देखिए वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ वाई डज द टिकट कलेक्टर इंस्टीट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। देखिए दादाजी टोटो को क्यों और कैसे सहारनपुर ले जाते हैं, टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता कहने पर जोर क्यों देता है, ये इसका आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाट वे इज ईश्वरन एन असेस टू महेंद्र, यानी कि ईश्वरन किस प्रकार से महेंद्र के लिए उपयोगी व्यक्ति है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर सेज दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स, यानी कि लेखक क्यों कहता है कि महेंद्र के घर में ईश्वरन टीवी की कमी की पूर्ति बहुत अच्छी तरह से करता था। इसका आंसर आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? देखिए शिष्य मूर्खों के राज्य में ठहरने का निश्चय क्यों करता है, क्या यह अच्छा विचार है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर याद करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा How does the guru manage to save his disciple's life? देखिए गुरु अपने शिष्य की जिंदगी कैसे बचाता है, तो इसका सोल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, यानी कि अबाबिल राजकुमार को छोड़कर मिस्र क्यों नहीं गया। तो इसका आंसर आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैवॉक हैज द सुपर साइक्लोन रिग्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पर देखिए भीषण चक्रवात ने उड़ीसा के लोगों के जीवन में क्या तबाही ला दी, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ हैज प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, यानी कि किस प्रकार 20 साल से कम उम्र का प्रशांत अपने गाँव के लोगों की सहायता करने में समर्थ हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरमन हैज अ ड्रीम व्हाट इज इट डज इट कम ट्रू, यानी कि बेरमन का एक सपना है वह क्या है, क्या वह सच होता है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेरमन्स मास्टरपीस व्हाट मेक्स सू से सो। तो देखिए बेरमन की महान कलाकृति क्या है और सू ऐसा क्यों कहती है, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे द एक्सीडेंटल टूरिस्ट से, इसमें देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई इज द फिंगर ब्लीडिंग व्हाट इज हिज वाइफ रिएक्शन, यानी कि उसकी उंगली में से खून क्यों बह रहा होता है, उसकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इसका आंसर भी आप देख लेना। देखिए हेज लुक ऑफ लुस ऑफ बिकम अ बेगर बाय सर्क्यूमटेंशन
और बाय चॉइस, क्या लस्को परिस्थितिवश भिखारी बना है अथवा अपनी इच्छा से? तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जो है ये आपकी जो सेकंड बुक थी उसके भी हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने सोल्व किए हैं, और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर ले, उसका जो लिंक है हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर इसकी पीडीएफ जो है आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।